हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी हुआ है। ये आवासीय विद्यालय है, रेजिडेंशियल स्कूल है, जहां आपको रहना होगा, खाना पीना सब आपका यहां अरेंजमेंट होता है। कोई परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा, सीधी भर्ती होगी। क्वालिफिकेशन के बेस पर आप लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा। सभी राज्यों के यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हम सारी चीजें चेक करेंगे, नोटिफिकेशन में क्या आया है। तो ये जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिला अलीगढ़ की। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिस की तरफ से जो है एडवर्टीजमेंट जारी हुई है। रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनल इन कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल, स्टार्टिंग डेट जो है वह 20 जुलाई है और एंडिंग डेट जो है वो 2 अगस्त है। 2 अगस्त तक आप लोगों को एप्लीकेशन कर देना है। एड्रेस वगैरह सब मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाली हूँ कैसे एप्लीकेशन यहाँ करनी है। तो चलिए फटाफट से हम इसको ओपन कर लेते हैं नोटिफिकेशन को। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ से 18 जुलाई को ये एडवर्टीजमेंट जारी की गई है। कौन कौन सी जगह से आई है? तो ये 13 जगहों से आई है। 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों गंगीरी, अतरोली, बिजोली, नगर क्षेत्र, अकारावा, चंडोस, धनीपुर, गोंडा, इगलास, जवा, खेर, लोथा और टप्पली। तो इन 13 जगहों से ये वैकेंसी आई है, जहां पर पूर्णकालिक शिक्षिका की भी वैकेंसी है और अंशकालिक शिक्षिका की भी वैकेंसी है। जो पूर्णकालिक शिक्षिका है तो इन विद्यालयों में उनको जो है रहना होगा, यहीं पर उनका जो है सारा अरेंजमेंट होता है खाने पीने का, क्योंकि ये आवासीय विद्यालय है, रेजिडेंशियल स्कूल है। बाकी जो अंशकालिक शिक्षिका होती हैं, तो जैसे ही स्कूल की छुट्टी हो जाती है बच्चों की, तो यह भी घर जा सकती हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, पेमेंट जो है क्या मिलने वाला है। तो पूर्णकालिक शिक्षिका को यहाँ पर 22,000 रुपए जो है वो वेतन मिलेगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, जो भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर मैथ के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो शैक्षिक योग्यता जो है वो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो है ग्रेजुएशन बीएड और उच्च प्राथमिक स्तर की टेट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, सीटेट भी चलेगा। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान के लिए यहाँ जेडबीसी वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं प्राथमिक स्तर की टेट जो है यहाँ मांगी गई है। अब यहाँ पर बीएड नहीं लिखा है, लेकिन टेट जो है वो आप तभी क्लियर कर पाओगे जब आपने बीएड की हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है वो आपको समझना होगा। यहाँ पर आप लोगों को क्या डिमांड की गई है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस उच्च प्राथमिक स्तर की टेट, यानी पेपर 2 मांगा गया है। पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी और संस्कृत के लिए भी ऐसे ही है। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के लिए जो है वो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है आपको, भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र, इनमें से किसी एक विषय में। तो यहाँ पर आप लोगों का जो है वो बिल्कुल सही है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट आपको चाहिए कि आपने जो है ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, भूगोल पढ़ा हो या इतिहास पढ़ा हो या नागरिक शास्त्र पढ़ा हो, ठीक है। कोई एक विषय जो है वो आपने ग्रेजुएशन की हो, साथ में आपने पेपर 2 जो है टेट पास किया हो, बीएड की हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अंग्रेजी में यहाँ पर जो है वही मांगा गया है, बीएड और टेट और अंग्रेजी से स्नातक। नेक्स्ट जो है उर्दू शिक्षिका के लिए यहाँ पर उर्दू विषय से बीए तथा एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा या शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा। अंशकालिक शिक्षिका जो कंप्यूटर के लिए है, तो कंप्यूटर के लिए बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे पीजी, डीसीए, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस से, या आपने स्नातक किया हो, ठीक है, और भी ये है ओ लेवल या ए लेवल का आपका डिप्लोमा डीओई एसीसी में। अंशकालिक शिक्षिका जो है जो पार्ट टाइम जॉब करेंगी यहाँ पर, तो उनकी भी वैकेंसी है। तो यहाँ बीपीएड, सीपीएड या डीपीएड मांगा गया है यहाँ स्काउट गाइड या फिजिकल एजुकेशन के लिए। उसके बाद कला क्राफ्ट के लिए यहाँ पर जो है आपकी ग्रेजुएशन मांगी है, साथ में उपाधि। मुख्य रसोईया की भी वैकेंसी है, जहाँ केवल 8th पास होना चाहिए, सहायक रसोईया भी 8th पास, चपरासी और चौकीदार के लिए भी 8th पास होना चाहिए। तो यहाँ पर इन तीनों की जो सैलरी है तो वह आप देख सकते हो, सहायक रसोईया की 5,175 है और उसके बाद चपरासी चौकीदार की 5,750 है, ठीक है, और मुख्य रसोईया की 6,900 है। जो पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो उनके लिए जो है वह 9,800 रुपए उनको पेमेंट मिलेगा, और यहाँ पर जो फुल टाइम टीचर हैं उनको 22,000 पेमेंट मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है कि एक साल के लिए तो आपको यहाँ पर 12 महीने के लिए आपको रखेंगे, और उसके बाद जो है वो हर साल जो है वो आपका जो है रिन्यू होता जाएगा, यानी आप लोग जो है वहाँ पर जो है जॉब कर पाएंगे, हर साल ही जॉब कर पाएंगे, ठीक है। यदि आपका जो है वो काम अच्छा रहता है, वहाँ पर आप लोग अच्छे से जो है सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो जो है वो हर साल जो है वो आप वहाँ जॉब कर सकते हो। कुल योग जो है अगर हम देखें तो मैथ में यहाँ पर 7 वैकेंसी हैं, साइंस में 4 हैं, हिंदी संस्कृत में 4 हैं, सामाजिक विषय में 1 हैं। कोई आपका एग्जाम या यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होना है। अंग्रेजी में 2 हैं, उर्दू में 1 है, कंप्यूटर में 7 हैं जो कि पार्ट टाइम टीचर्स की है,
और एक जो है आपकी फिजिकल एजुकेशन या स्काउट गाइड की है, छह जो है यहाँ पर आपकी आर्ट संगीत इससे संबंधित है। ठीक है, सहायक रसोईया जो है इसकी जो है 15 वैकेंसी है, इस चपरासी की 2 है और चौकीदार की 1 है, कुल मिलाकर 53 वैकेंसी यहाँ पर आउट हुई है। 2 अगस्त तक आप लोगों को अप्लाई कर देना है शाम 5 बजे तक। एड्रेस इसका क्या है, तो एड्रेस यहाँ पर बिल्कुल मेंशन है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निकट ब्लॉक संसाधन केंद्र लोधा बीमा नगर टीवीएस शोरूम के सामने वाली गली सूत मिल चौराहा अलीगढ़। तो यहाँ पर कहा गया कि केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट ही आप लोग करें, सिंपल पोस्ट नहीं करें। यदि कोई बच्चा सिंपल पोस्ट करता है तो उसका पहुंचेगा ही नहीं, केवल महिला अभ्यर्थी ही जो है आवेदन के लिए पात्र होगी। पूर्णकालिक शिक्षिका के पदों के लिए निर्धारित योग्यता जो है वह उच्च प्राथमिक स्तर की टेट और प्रशिक्षित स्नातक, ठीक है, बीएड इसमें शामिल है, बीएड या फिर एलटी। उसके बाद जो है यहाँ पर किस तरीके से जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, तो वो चीज़ आप डिटेल नोटिफिकेशन जो है इसको डाउनलोड करके आप पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है आवेदन पत्र है, कैसे भरेंगे आप, तो बिल्कुल वही सिंपल चीज़ें हैं, आपका नाम पता एड्रेस होगा, यहाँ पर क्वालिफिकेशन होगी, फोटो यहाँ लगेगी, ठीक है, और अगर आपका कोई जो है जाति प्रमाण पत्र है तो वहाँ लगेगा, अगर आपका अनुभव है पहले से ही इन स्कूलों में पढ़ाने का तो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अप्लाई जो करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना होगा aligarh.nic.in, तो आपका ये जो इसका होम पेज है मेन वेबसाइट का इसका डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ का, ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, तो ये जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये नजर आ रहा है व्हाट्स न्यू न्यू नोटिफिकेशन या टेंडर, तो यहाँ बिल्कुल ऊपर ही आप देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिस, इस पर आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद ये पेज ओपन हो गया जहां पर नोटिफिकेशन कंप्लीट दिया हुआ है, 20 जुलाई स्टार्टिंग डेट है, एंड डेट जो है वह है 2 अगस्त है, ठीक है। तो ये फाइल जो है जहां पर व्यू लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे और आप लोगों के सामने जो है ये कंप्लीट नोटिफिकेशन जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, ये आप डाउनलोड करके आप अच्छे से जो है एक एक चीजें जो है वो देखेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन करेंगे।